अस्सलाम वालेकुम, इट्स एन एस आर बी लाउंज एंड गुड मॉर्निंग। इट्स अ संडे और यहाँ उठ के सुबह सुबह कलरिंग स्टार्ट हो चुकी है, देख रहे हो। सो माशाल्लाह से नाउ ही इज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको जो है कल से बुखार अब नहीं आया, दिन में था, दोपहर में भी था, लेकिन रात से माशाल्लाह से बेहतर, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब ये यहाँ ये वर्किंग हो रही है और अभी हमने नाश्ता बनाना है, संडे है और नाश्ता बनाते हैं। हलवा पूरी लेके आएंगे, मैंने बोल दिया पापा लाएंगे, तो अभी बनाते हैं नाश्ता, किचन में चलते हैं, बर्तन वॉश करते हैं। ऐसे नहीं बोलते, तबीयत खराब हो जाएगी। सो ये लेट के जो है ना आराम फरमा रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं। और अभी हम उठते हैं नाश्ते के, देखते हैं कपड़े हाथ से धोए थे बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह, वो फिर बेटे मैंने उतारे ही नहीं, बच्चों ने ब्रश करके भी ऐसे ही रख दिए थे। तो अभी बस ना मैं जल्दी से बर्तन धोने धो लूँ रात वाले ना, बर्तन वॉश करती हूँ उसके बाद नाश्ता बनाना स्टार्ट करूंगी। अपने गले में भी खराश हो रही है, दर्द हो रहा है इतना। आप लोग संडे वाले दिन क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा जरूर। सो अभी हम पहले अपना किचन समेटेंगे और जब चीज़ें सिमटी हुई हों, साफ सुथरी हों, तो सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ के जो है ना ये स्वीट की ड्रिंक यूज़ कर ली थी और उससे बहुत फर्क रहा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बकायदा प्रॉपर आपके लिए बनानी है, लेकिन टाइम नहीं मिलता और मैं भूल जाती। अच्छा जी, संडे है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बना लूँ एक्स्ट्रा भी, तो मैंने एक अंडा लिया है जल्दी से और साथ ही मैं शुगर ऐड कर ली और मैंने बच्चों के लिए पैन केक्स बना ली। अगर अच्छे लगे ना तो फिर उनको जो है कल लंच में ही बना के देंगे। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बीट करूँगी, थोड़ा सा मैं वैनिला एसेंस ऐड कर लूँगी ताकि इसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाए। फिर बेकिंग पाउडर एंड थोड़ा सा सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों ऐड करेंगे और हम ये लेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर और अच्छा सब बैटर बना के उनको पैनकेक बना के देती। तो मैंने बैटर रेडी कर लिया है, देख रहे हो, अब हम जो है ना इसको पोर करने वाले हैं। ठीक है, मैं चम्मच से पोर करूँगी इसको। अब बहुत टाइम के बाद ना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनको ये बना के दूँ, तो लेट्स सी कहाँ तक कामयाब हो पाए हैं इसमें। जस्ट पोर इट राइट, क्या लाइक दिस, वैसे ये जो है ना नॉन स्टिक पैन में अच्छे बनते हैं क्योंकि इसके आपको ऑयलिंग कम यूज करनी पड़ती है और बहुत टेस्टी हो जाती है। इसकी फ्लेम को हम कम रखेंगे ताकि नीचे से पक भी जाए ना। लुक दिस, मैंने इसकी साइड अभी टर्न किया और इसका कलर कितना अमेजिंग आया है। अच्छा, आप जिसको जितना ज़्यादा बीट करोगे ना ये उतना ज़्यादा फ्लफ़ी होगा, तो मैंने खैर इतना ज़्यादा बीट नहीं किया है, इस वजह से इतना ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हो रहा। और इस प्रॉपर इसके अंदर आप जो है ना, या तो आप इनो का साशी ऐड कर लें, वो बहुत अच्छा राइज अप करेगा इसको, देख सकते हो आप, उतना प्रॉपर बैलेंसिंग वाला बना है ना, बहुत ही ज़बरदस्त।
और ये देखें हमारे पैनकेक रेडी हो चुके हैं, बच्चों को मैंने दिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं, कह रहे हैं कि वाह मम्मा कल हमें लंच में भी बना के दीजिएगा। तो थोड़ा सा जो है ना मैदा पड़ा हुआ है और अंडा डालेगा एक वैनिला एंड शुगर, बहुत टेस्टी और मज़े के बन रहे हैं। आगे मैंने इनका वो जो है डिफरेंट शेप में बनाने वाले सांचे भी लेकर आऊँगी ना ताकि अच्छे से बने। सो अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा चाय का चूल्हा अभी तक नहीं चलाया मैंने, यहाँ मैंने टोस्ट रखे, थोड़ा सा टोस्ट को कर लें और फिर जो है ना साथ में आज अंडा बना दूँगी, एग टोस्ट हो जाएंगे। और अभी जो है ना अपनी शेप वगैरह बनाने गए हुए, अभी तक तो खैर वो आए नहीं है, वो पता नहीं कब आते हैं, तो फिर उनसे पूछ के पराठा एक उनका एक पराठा बस उनके लिए बना दूँगी, फिर हम एक एक ब्रेड खा लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बना है मुझे का, तो मैंने भी खाया और सबसे बड़ी बात ये कि अपने बच्चों को पसंद आ गया, तो मुझे ये टेंशन ख़त्म हो गई कि उनको अगर आप लंच में देना चाहें तो आराम से दे सकते हैं। बस मैं ना सांचे मिलते हैं ना शेप वाले वो लूँगी ताकि इसमें अच्छे से हार्ट शेप और एनी टाइप ऑफ शेप्स के जो मिलते हैं ना वो बना के उनको दूँ ताकि उससे ज़्यादा फ़ायदा हो। जो है ना टोस्ट मैंने रेडी कर लिए हैं देख सकते हैं आप, और साथ में मैं ये एग रेडी कर रही हूँ, ये हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर टोस्ट में लगा के चाय भी जब तक बन जाएगी और एक अदद पराठा बना लूँगी। तो आज मैं ना थोड़ा सा हेल्दी इंसान, नॉन हेल्दी भी है हेल्दी भी है, आज थोड़ा सा मैदा इसका यूज़ ज़्यादा हो गया बच्चों के लिए, बच्चों की थोड़ी सी ख्वाहिशात भी नज़र रखनी पड़ती है ये कि, लेकिन इन सेंस के मैं खुद घर पर बना रही हूँ तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरे बच्चे हाइजीनिक उन चीज़ खा रहे हैं, बाहर से लेके तो नहीं खा रहे हम। पर ना हम संडे को ना पराठे का पेड़ा भी बाहर से ला रहे थे तो बनाते खुद थे और हलवा पूड़ी खा ली देते थे। अब इंशाल्लाह मेरा दिल है कि किसी संडे पे मैं हलवा पूड़ी भी खुद ही ट्राई करूं और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन संडे को आपको पता है मैं खुद देर से उठती होती हूँ तो एक दिन का ही रेस्ट होता है, वरना फुल डे जो है ना मदर 24 घंटे बिजी होती हैं, फिर मैं ज़्यादा ना ठंडे वाले दिन नहीं करती हूँ। अपनी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, नज़ला इतना था मुझे, खुद बच्चा बीमार था उसकी वजह से बिल्कुल भी ना हिम्मत नहीं हो रही थी आज भी, कल रात से मेरे गले में बहुत पेन था उसकी वजह से फिर मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी बस ये चाय मेरी भी बन जाएगी। तो मेरे हस्बैंड शेप बनाने जाते हैं तो एक से दो तीन घंटे लग जाते हैं, उनकी शेप भी नहीं बनती भाई, पता नहीं कौन सी शेप रॉकेट साइंस तैयार करके आते हैं। मुझे हमेशा इंच होती हूँ उनका, आप तो हमें भूखा मार दो आपके एग्ज़ाम में संडे वाले दिन हम रहे तो उसमें लोग नाश्ता कर लेना, लेकिन हम लोगों की आदत है नाश्ता, और मैं सुबह नाश्ता इनके साथ ही करती हूँ और इसके अलावा रात का खाना हम लोग साथ में खाते हैं, दोपहर में मैं खाती नहीं हूँ, वो ऑफिस में होते हैं। तो एक रूटीन ऐसी डिवेलप हो चुकी है, 9 साल होने वाले हैं माशाल्लाह से, 10 साल होने वाले हैं इस साल दिसंबर में, हमें 10 ईयर्स हो जाएंगे टुगेदर एंड इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह हमारा ऐसे ही साथ बनाए रखे। तो मतलब एक आदत हो गई है तो नहीं दिल चाहता खाना खाने को मेरा को, तो बच्चे होते हैं बच्चों को करा देती हूँ, मैं खुद नहीं खा पाती। तो हेयर इज़ द नाश्ता रेडी, ठीक है मैंने टोस्ट कर लिए और चाय भी तैयार हो गई है हमारी। सो ये है हमारा संडे ब्रेकफास्ट। तो अब जो है ना मैं रेगुलर रूटीन जो होती है, कपड़े शपड़े धोए थे तो ना इनको मैं सेट करके मैंने कहा रख लूँ जल्दी से, तो बस इनकी तह लगा रही हूँ ताकि फिर इसकी भी जगह बनाऊँ, और अब गर्मियों के कपड़े निकालना स्टार्ट करने वाली हूँ सर्दियों के रख के, वो भी मैंने सोचा था लूँगी लेकिन यार इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई कि चीज़ें बाय करने का भी नहीं है, पैसे बचते ही नहीं हैं कि बस बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें, तो कुछ ना कुछ ऑनलाइन करते रहने के चक्कर में लगी रहती हूँ ताकि कुछ ना कुछ हो जाए, ताकि कुछ इनकम के रिसोर्सेज इंक्रीज हो सके घर बैठे बच्चों के साथ, क्योंकि हाँ जॉब करते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन डू इट इजीली बट आई कॉन्ट लेट माई चाइल्ड अलोन एट होम। सो ये एक ऑप्शन है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं करना चाहती, निग्लेक्ट हो जाएंगे, कोई होगा नहीं देखने वाला, और एज ऐसी है कि आपकी तरबियत आगे नज़र आएगी अगर आप उनको छोड़ दोगे ना इस एज में, तो कोई जो भी करेगा मतलब फिर हम आप
किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, आपने खुद अपने बच्चे केयर नहीं की उनकी और फिर उनमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं किसी और की वजह से, तो फिर आप बोलेंगे जी इसने तबीयत की थी ये वो, तो आप किसी को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप खुद इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। तो अभी ये जिनकी इस तरह की है कि हम छोड़ नहीं सकते, तो फिर थोड़े बड़े हो जाएं, खुद से घर पे रहने वाले हो जाएं, तो आप फिर स्टेप उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सो लेट्स सी, देखें, आई एम थिंकिंग कि मैं स्कूल की जॉब कर लूँ या तो फिर के बच्चे साथ ही हूँ, देखते हैं क्या करती हूँ। बहुत माइंड ना खिचड़ी पकी हुई है। सो अभी तक ना अभी ने नाश्ता नहीं किया, अब वो बाथ लेने चले गए, फर्स्ट फ्लोर जो है ना हमारी रूफ साफ करने लगे थे। अभी चिकन आए तो अभी चिकन जो है ना 740 रुपये के जी हो गया है और अभी इनका नाश्ता ऐसे ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। तो मैं जो हूँ ना अभी बना रही हूँ कोरमा, थोड़ा सा ही बनाऊँगी और अब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। इट्स मतलब क्या खाए बंदा। तो ये मैं पोर्शन ना थोड़ा सा ही चार बोटियाँ चावलों के लिए रख लूँगी और ये मैं एक्स्ट्रा रख लूँगी लज़ानिया एक दिन बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और मतलब मंडे से, अब कल मंडे है, तो बच्चों को लंच में भी कुछ देना होता है, कुछ माएँ तो यही करती हैं कुछ अच्छा अच्छा दे सकती हैं, तो बस अब ये कर रही हूँ। तो यहाँ हम बना रहे हैं सालमन, यहाँ जो है ना मैं राइस बना रही हूँ और ये मेरा सालन तैयार हो चुका है। राइस रेडी, ठीक है। मिक्स वेजिटेबल राइस, चिकन मिक्स वेजिटेबल राइस बना ली है मैंने और इसको हिला लेते हैं, देख रहे हैं बहुत टेस्टी बने। Choose up.